सिरौली गौसपुर में 20 मई को लोकसभा चुनाव हुआ शांतिपूर्वक संपन्न। सिरौली गौसपुर क्षेत्र के कोटवाधाम, अरियमऊ, अमनियापुर, मदारपुर, मीरापुर, बरौलिया, रसूलपुर, बदोसराय, किंतुर, मरकामऊ, बरदरी, लोधपुरवा, खजुरिया, मेला, रायगंज, शहरी, सिरौली गौसपुर, अमरा, कटिहरा, अमरा देवी, दरगापुर, सैदनपुर, रामपुर, हजरतपुर सहित सिरौली गौसपुर ब्लॉक के समस्त बूथों पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ और समाचार प्रेषण शाम 4 बजे तक लगभग 56.80% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग शांतिपूर्ण माहौल में किया। एसडीएम सिरौली गौसपुर आनंद तिवारी, तहसीलदार वैशाली अहलावत एवं समस्त बूथों पर तैनात किए गए सेक्टर मजिस्ट्रेट बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं। थाना अध्यक्ष बदोसराय प्रफुल्ल कुमार यादव, एसएसआई लालता प्रसाद, अरुण कुमार यादव, उप निरीक्षक राय सहित भारी संख्या में पुलिस बल पोलिंग बूथों पर लगातार भ्रमण किया। बाराबंकी ब्यूरो चीफ हसान रजा के साथ बबलू की खास रिपोर्ट। आप यहाँ हैं? 1.5 घंटे हो गए। कोई दिक्कत नहीं, पुलिस प्रशासन की अच्छी से व्यवस्था जी। कब से खड़े आप? 1.5 घंटा। अच्छा, अभी और पड़ा नहीं? पड़ा जी, जी नहीं, नहीं आया आपका? भी नहीं आया। अच्छा, आप कब से खड़े? मैं भी लगभग 1.5 घंटे से खड़ा हूँ। 10 मिनट हो गए मेरे को आए। दिक्कत तो नहीं है? प्रॉब्लम यहाँ कोई भी समस्या नहीं हुई, आराम के साथ वोटिंग कर रही है। आपको कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप? कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है, समस्या कोई? दिक्कत का है, बड़ा छाए है जो नहीं है, जैसे प्रशासन है किसी कोई परेशानी नहीं? नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वोट है, अपनी अपनी उंगली दिखाए किन किन लोगों ने मतदान किया है, यहाँ पर मतदान करके आए हैं, किन मुद्दों पर मतदान किया है? भाई देखिए, सबसे बड़ी तो मुद्दा यह है कि महंगाई, महंगाई का सबसे ज़्यादा प्रकोप वही चीज़ है, इसलिए हम लोग महंगाई। मतदाता आप चुने हैं, क्या वो जीतने के बाद ही सभी को समस्याओं को दूर करेंगे? बिल्कुल, वो सारे समाज को लेके चलेगा और बराबरी का दर्जा देगा हम लोगों को। और सबसे बड़ी मुद्दा यह है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, इस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। यहाँ पर व्यवस्था है जो प्रशासन की, उसमें कोई कमी नहीं? कोई कमी नहीं। अच्छा, आप वोट डाल के आए हैं? जा रहे हैं डालने। अच्छा, अभी डाले नहीं है आप, वोट डाल के आए? डाल गए। वहाँ पर कोई कमी आपको दिखाई दी? नहीं, हमें तो कोई कमी नहीं दिखाई दी। आपको कोई कमी दिखाई? कौनो भैया कमी नहीं दिखाई मेरी। अच्छा, वोट डाल के आए? वोट डाल गए। यहाँ पर आपने वोट दिया? ये भी नहीं दिया। आपने दिया? नहीं। आपने वोटर लिस्ट आई या नहीं आई? देखिए, यहाँ पर हमारे साथ में काफी लोग मौजूद हैं, अपने प्रत्याशियों को चुना है और युवा यहाँ पर जुड़े हुए हैं, यहाँ पर महिलाएं खड़ी हैं, यहाँ पर हमारे नौजवान खड़े हुए हैं, और इनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ये नहीं से जानते हैं। आप कब से खड़े हैं यहाँ पे? अभी 1.5 घंटा हुआ। आप कब से खड़े? 1.5 घंटा हो गया। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत नहीं, कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या? नो नो। आपको कभी दिक्कत? कोई प्रशासन का व्यवहार कैसा हो रहा है? नहीं, बढ़िया है सब। अच्छा, आपको कब से खड़े यहाँ पे? अभी आए। देखिए, मैंने जहाँ जहाँ का भ्रमण किया है और वहाँ वहाँ पर पुलिस प्रशासन भी काफ़ी तेज़ी के साथ अलर्ट है और अपनी सख्त निगरानी के साथ में ये चुनाव संपन्न करा रही है। और ये लोकसभा चुनाव है, यहाँ पर सभी मतदाता अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए काफ़ी उत्साहित है और यहाँ पर अपने अपने मतदाता यहाँ पर आए हैं, लेकिन मतदाता केंद्र पर सारी व्यवस्था अच्छे से दुरुस्त है। और यहाँ पर सभी मतदाताओं को मैं कहूँगा कि कैमरामैन